तो देख लीजिए, अब इसको हटाया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। बोतलें जो हैं जो लगी हुई थी वो अब हटाई जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि जो बोतलें हैं जो समाधि के ऊपर लगाई गई थी वो अब हटा दी गई हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ बोतलें लगाई गई थी, अब उसको हटा दिया गया है। साइकिल ये चलाते हैं और देखिए कि अब साइकिल जो है वो तैयार की जा रही है। अब उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। लाइव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अपील करूँगा आप सभी से कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें। देख लीजिए कि जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है और इनका साफ तौर से कहना है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, इनका साफ तौर से कहना है कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो अंदर इस, ये देखिए जो मिट्टी है, इस मिट्टी में एक युवक को अंदर दफनाया गया है और उसको अब बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू होते हुए, जी हाँ, जो प्रोसेस है वो अब शुरू होते हुए आप देख सकते हैं कि अब बाहर निकाला जा रहा है। और जो यहाँ क्राउड है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सभी का कहना था कि इन्होंने मना भी किया था लेकिन इसके बावजूद उसको अंदर अंदर जो है दफना दिया गया था। आप सभी से अपील करूंगा इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें और इस बात को लेकर, इस जो ये मामला यहाँ सामने आया उस पर अपने कमेंट भी जरूर देते रहें। ये तो 24 घंटे दी मना कम तो 5-5 दिन काटे समाधि में गाने कड़ा जी मुंह तो बोल रहा मैं तो देख लीजिए कि बाहर निकालने के नाम पर एक और पाखंड यहाँ पर जरूर सामने आया है। देख लीजिए, ये बोतलें फोड़ी जा रही थी बाहर निकालने के नाम पर, और लेकिन खून यो निकलता है, जो खून निकल रहा था उसके बाद अब बंद जरूर करवाया गया है। तो खून हम आपको दिखा नहीं सकते, देख सकते हैं कि कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पर ये बोतलें डाली गई थी। और अपील करूंगा आप सभी से खबर को शेयर जरूर करें। बिल्कुल यहाँ पर काफी पाखंड देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए, मिट्टी अब हटाई जा रही है, जो युवक इसके अंदर डाला गया था उसको बाहर निकालने का प्रयास अब किया जा रहा है। अपील करूंगा आप सभी से इस खबर को शेयर जरूर करते रहें और हम कमेंट कर अपनी राय भी जरूर देते रहें। देख लीजिए, उसको दबाया गया है नीचे मिट्टी में और अब मिट्टी को हटवाया जा रहा है। देख सकते हैं मिट्टी को हटवाया जा रहा है, कांच यहां पर तोड़ा गया और देख लीजिए अब जो है इसको बाहर निकालने का कार्य जो है वो यहां पर करते हुए, जी हां, बाहर निकालने का कार्य ये सब करते हुए यहां पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए कि यहां पर बोरी के अंदर बंद किया गया था और ऊपर देखिए किस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ पर डाली गई हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कैसे ये सब डाला गया, मिट्टी डाली गई है, त्रिपाल डाली गई है और देख लीजिए अब मिट्टी को बाहर हटाकर इसको बाहर निकालने का जो कार्य है वो यहाँ पर जरूर शुरू किया गया है। अपील करूंगा कि खबर को शेयर जरूर करते रहे साथ के साथ, किस प्रकार से जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि एक युवक को इसके अंदर जो है दबा दिया गया सिर्फ 3100 रुपयों के लिए। आप देख लीजिए ये गड्ढा यहाँ पर बनाया गया है, इसके नीचे एक गड्ढा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और वो बाहर खड़े हैं, उनके लिए गैस आपको दिखेगी, देख सकते हैं यहाँ पर। और युवक को अंदर दबाया गया है, लाइव तस्वीर इस समय आप देख लीजिए, युवक को अंदर कितना गहरा है ये और इसमें दबाया गया है। अब इसको बाहर निकालने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि अब बाहर निकाला जाएगा। चाकू हाथ में आप देख सकते हैं, बोरी के अंदर बंद किया गया है उस युवक को। और ये सारी चीजें आप देख लीजिए, त्रिपाल यहाँ पर डाली गई है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए अब अंदर और युवक जा रहे हैं जो यहाँ के हैं। चले जाओ अंदर, चले जाओ, इसको निकलवाओ बाहर, देखो कि किस प्रकार से पीछे होता हो सारे। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर अब युवक को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए, जी हाँ, बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं जो कहा गया था कि 3100 रुपए देंगे तब जाकर इनको बाहर निकाला जाएगा, पैसे अब यहाँ पर एकत्रित किए जा रहे हैं। पैसे हुए हैं जी, हो गए पैसे, ज्यादा ही हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये तो अब भी मना कर रहे थे, हम तो रात को भी मना कर रहे थे, मैंने कहा हम वैसे ही दे देंगे पैसे पर तुम दबाओ। 3450 रुपए इकट्ठे हो गए हैं, हम इनको दे रहे हैं और 2 सूट दे रहे हैं इनको साथ में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है, बाहर निकाला जा रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पर
पाखंड जरूर देखने को मिला है, एक अंधविश्वास यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। अपील करूंगा आप सभी से कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो देख लीजिए, युवक को बाहर निकाला जा रहा है बेहोशी की हालत में, बेहोशी की हालत में निकाला जा रहा है, और ये बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा इसको, आप खुद समझ सकते हैं। देखिए बेहोश है ये, बेहोशी की हालत में इसको बाहर निकाला गया है, देख सकते हैं। जबकि इनका कहना था कि कुछ नहीं होगा इसको, आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। देख सकते हैं युवक को अब पानी पिलाने का प्रयास यहां पर करते हुए ये जरूर दिखाई दे रहे हैं, बेहोशी की हालत में युवक को बाहर निकाला गया है। देख लीजिए, देख सकते हैं कि बेहोशी की हालत में युवक को बाहर निकाला गया है, और अब तड़पते हुए आप देख लीजिए कि तड़पते हुए आप देख सकते हैं युवक को, तड़पते हुए, जी हाँ तड़पते हुए आप इसको देख सकते हैं। अपील करूंगा कि इस खबर को शेयर जरूर करते रहें। ये युवक जो कि तड़पते हुए अब दिखाई दे रहा था, सभी यहाँ पर देख लीजिए, सभी जो कॉलोनी वासी हैं सभी यहाँ पर इकट्ठे जरूर हो चुके हैं, और जो पैसे हैं वो अब इनको जरूर दिए जा रहे हैं, पैसे अब इनको दिए जा रहे हैं। देखिए अब ये बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल होते हुए, देखिए कहा जा रहा है अब ये साइकिल भी चलाएगा, बेहोशी की हालत में है लेकिन अब बोला जा रहा है कि साइकिल इससे चलवाई जाएगी, ये आप खुद देख लें, खड़ा इससे होया नहीं जा रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार से, किस प्रकार से ये देख लीजिए, यहाँ पर साइकिल अभी के बताया जा रहा है कि साइकिल इससे चलवाएंगे अभी, ये देख सकते हैं, और पैसे तैयार हैं, पैसे आप देख सकते हैं, पैसे यहाँ पर तैयार हैं, और अभी इस युवक को देखिए, तो देख सकते हैं अब इस साइकिल को चलवाने का प्रयास यहाँ पर जरूर करेंगे, ये कह रहे हैं कि अब साइकिल भी इससे चलवाएंगे, अब अंदर से देख सकते हैं कितनी गहराई है इसकी, और इसके अंदर से इसको बाहर निकाला गया है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ज़रूर हो सकती थी, अब इसको बाहर निकाला जा रहा है। अपील करूँगा आप सभी से कि इस खबर को शेयर जरूर करें। देखिए अब, देखिए अब इसको साइकिल पर बिठाया जाएगा, आप देख सकते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या ये एक अंधविश्वास नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि क्या ये पाखंड नहीं है, देख सकते हैं हालांकि पेट के लिए ये सब कर रहे हैं लेकिन ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। देख लीजिए अब साइकिल चलाने के लिए ये तैयार होते हुए यहाँ पर 3100 पहले बोल रहा था आपने, अब कितने और कितने ले, साइकिल वाले भी अलग ले, अलग ले, तो देख सकते हैं पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बाद कोई बात नहीं, 3100 दे दिए ना, 3100 रुपए ले लो पहले, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब हो रहा है, उससे बात करते हैं, आप अंदर अंदर थे, दिक्कत हो रही थी नहीं जी, क्या है ये सब, क्या है ये सब, ये तो देखो जी अंकल जी, हमको तो माता रानी की लाख भेंट दे के आनी पड़ती है जी, कहाँ दे के आनी पड़ती है, कहाँ दे के आनी पड़ती है, वैष्णो देवी जी। अच्छा हाँ जी, आपको नहीं लगता दिक्कत है इसमें, आपको भी दिक्कत हो सकती जी, जो भी कलाकार उल्ट काम करके जाएगा ना वो नहीं आ सकता इससे बाहर, देखो जब के तो बड़े डर रहे जी लाइन में, आपने बताया शरीर पे ब्लेड भी मारे हैं, सुइयां भी चुभोई हैं, आपको लगता है आपकी जान जा सकती थी इन चीजों से, देखो जी अंकल जी मान्य माता रानी की लाग बेट कढ़ाई करके आनी पड़ती है, लाग बेट कौन सी, लाग बेट की बात कर रहे हो आप, अब जैसे कढ़ाई कुड़ाई करते हैं ना हम, क्या यार ये इन चीजों में विश्वास करते हो आप, अभी इन चीजों में विश्वास करते हो दीदी, आपका तो सीख नहीं रखा ये खेल, बचपन से सीख रखा है जी, लेकिन इसमें आपकी जान भी तो जा सकती है, देख सकते हैं किस प्रकार, देख लीजिए कि कैसे ये युवक अब यहाँ पर अजीब अंधविश्वास की बातें करते हुए सामने आ रहा है, रात को 9 बजे बैठा था जी, लगभग 13 घंटे हो चुके हैं जी, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो अंदर सांस नहीं घुटा आपका जमीन के, तो कितनी बार ऐसे अंदर जा, मैं कम से कम पता नहीं कितनी फेरी जा चुका हूँ जी, अरे चप्पल पहन ले भाई, तेरे को मिल गए पैसे, इसको इसको नीचे उतार ले बस, अब चलो नीचे उतारो इसको, नीचे उतार लो इसको बस, अब अरे भाई तेरे को पैसे मिल गए ना, कोई बात नहीं, हो गया पूरा खेल, पूरा खेल हो गया, ले आओ नीचे उतारो इसको, देख लीजिए कहा, अब बोल रहे थे साइकिल चलाएंगे ऐसा बोल रहे थे, कुछ नहीं चलानी अब,
तो आप देख सकते हैं उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि टांगे अकड़ ना गई हों। ऐसी चीजें आप देख सकते हैं, पहले बोल रहे थे साइकिल चलाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया है। मीडिया के बाद जो है इसको बाहर निकाला गया है। अब ठीक है जी, अब बाहर निकाल दिए। क्या बोलेंगे, ऐसा दोबारा यहाँ पर होगा? दोबारा तो नहीं होने दोगे यहाँ पे? लग रहा है कहीं ना कहीं नहीं जी, दोबारा तो नहीं होने दोगे यहाँ पे ऐसा? छोटे से बिट्टू, अगर दोबारा आए तो लटो दे। कहते हैं ना कि हर साल आते हैं ये, अब दोबारा मत होने। पिछली बार भी आए थे तो पिछली बार इन्होंने भगा दिया था, भी करने नहीं दिया था। इस बार आए तो फिर क्या, गरीब है, मैं चलो कोई बात नहीं, गरीब है तो ये लेकिन किसी की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते ना। हमने तो नहीं डाली ना, ये खुद ही करते हैं अपना जो भी करते हैं। इन्होंने मना करा था, बिल्कुल कल मना करा था। आप लोगों ने मना किया था इसको पहले भी? हाँ जी, पिछली बार भी ये आए थे, ये दूसरे भी। अगर दोबारा ये यहाँ पे आते हैं, हमें ऐसा खेल नहीं करने देंगे, नहीं करने दोगे ना? बिल्कुल नहीं जी। आपने देखा कि कितने ज्यादा ब्लेड के निशान है सारे शरीर पर, बोतलें तोड़ी जा रही है, खून निकल रहा है सर से। डेली मना करते हैं, डेली मना करते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अब इसको बाहर निकाल लिया गया है। ये युवक जो अंदर था इसको बाहर अब निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको, हाँ दो पैसे दो तो देख लीजिए, ये पैसे अब दिए जा रहे हैं, ये पैसे जो दे वो अब दे दिए गए हैं यहाँ पर, और इसको बाहर निकलवाया गया है। जबकि कहा जा रहा था कि इसको शाम को 7 बजे ये निकालेंगे, काफ़ी रात को निकालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंधविश्वास का एक बड़ा मामला यहाँ पर ज़रूर सामने आया है। जी हाँ, अंधविश्वास का बड़ा मामला सामने आया है। अपील करूँगा आप सभी से कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इस गड्ढे से बाहर जो है निकाल लिया गया है, ये युवक यहाँ पर है। और जो ये बोल रहे थे कि इनकी आस्था है, क्या आस्था है, क्या आपको नहीं लगता कि ये आस्था के नाम पर पाखंड यहाँ पर किया जा रहा है? अगर इसकी जान को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? ऐसे मामले पहले भी बहुत सारे सामने आ चुके हैं, जब आस्था के नाम पर इतने बड़े गहरे गड्ढों में इनको दबा दिया जाता और बोरी में बंद करके, सबसे बड़ी चीज़ है बोरी में बंद करके इसको दबाया गया। हेलो, इधर आ, इधर आना, अरे इधर आ, इधर आ। तो आप देख लीजिए इसको बाहर बुला लिया गया है, अब निकाल लिया गया है। फिर भी करोगे ऐसा? देखो जी, ये तो लाइन सीख रखी है जी, ये तो छूट नहीं सकते। मजदूरी कर लो यार, ये कोई काम थोड़ी है जो आप करते हो। कोई नहीं जी, अंकल जी छोड़ देंगे आप कहोगे तो। देखो जी, कितने भाई बहन हो? कितने भाई बहन? एक सिस्टर है, एक मैं हूँ जी। तो अकेला अकेला है, क्या होगा अगर तेरे को कुछ हो गया? तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरी बहन का क्या होगा, सोचा है कभी? देखो जी, आज तक तो होया नहीं जी। अरे अगर हो गया फिर क्या होगा? मतलब यही चाहते हो जे? नहीं जी, तभी रुकेगा ये खेल, तभी रुकेगा। अरे कितने साल से कर रहे हो भैया? देख लीजिए, कितने साल से कर रहे हो? ये ब्लेड मार रखे हैं आपने? ये कर रहा हूँ जी, मेरे को 14-15 साल हो गए जी। उम्र कितनी है तेरी? उम्र कितनी? उम्र 17 साल का हूँ जी मैं। अच्छा, ये ब्लेड 3 साल से ही कर रहा है? अरे भैया ब्लेड क्यों मार रखे हैं ये जी? देखो जी, मार तो देख लीजिए। इनका कहना है जब ये 3 साल के थे तभी से ये खेल रहे हैं। देख सकते हैं इसके अंदर, अगर इसके अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो क्या क्या है इसके अंदर, देखिए। इसमें कंबल डाले हुए हैं, बोरी है इसके अंदर, एक तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जीवन को दांव पर लगाने वाला खेल ज़रूर यहाँ पर हो रहा था। अपील करूंगा आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, हमारा नंबर है। अगर इन फ्यूचर भी आपको कहीं ये खेल होता हुआ दिखाई दे तो हमें ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये खेल जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाखंड है, अंधविश्वास है। इसको लेकर आप सभी को अवेयर होना होगा, ताकि ये जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं इनको रोकना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी से अपील कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।